वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया आजमगढ़ से 20 किलोमीटर अंदर जो आया है पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, आपको उसी की वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैं पीछे देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस आगे तक बना हुआ देख सकते होंगे। इधर अभी और काम बाकी, इधर से देखिए आजमगढ़ में आया था। आजमगढ़ सोचा कि मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की वीडियो बना लूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर आके एकदम वीडियो बना दिखा रहा हूँ आप लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेस का। देखिए ओपीडा का बोर्ड लगा है, ओपीडा इसको डेवलप करवा रही है, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी करवा रही है इसको। आगे देखिए, आगे जो काम चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस का, इधर देखिए अगल बगल खेत हुए था, ये इधर देख सकते होंगे। ये इसके पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैमरे से, ये आजमगढ़ रोड आगे चला जाएगा। आजमगढ़ रोड से 20 किलोमीटर अंदर जाके पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम चल रहा है। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। ये दोनों मैं थोड़ा सा दिया हूँ वीडियो, ये थोड़ा रोड का दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए सामने पिलर लग रहा है, देख सकते होंगे सामने आगे काम चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस का। चलिए आगे चल के मैं दिखाता हूँ आप लोग को, चलिए चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत की उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्माणाधीन 6 लेन है। ये आगे चल के प्रत्येक दिशा में 3 लेन एक्सप्रेसवे है और यह लगभग 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये देखिए इसमें आजमगढ़ से जुड़ा है ये, आगे जो काम चल रहा है। और इसे कहां कहां से जुड़ा जाएगा मैं बताता हूं आपको। लखनऊ और गाजीपुर से जोड़कर 9 जिलों से होकर गुजरेगा। 9 जिलों से गुजरना है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में समाप्त हो जाएगा। ये देखिए आगे जो देख सकते होंगे मिट्टी वगैरह का काफ़ी, अभी मतलब मांग चलिए इसको कभी कच्चा ये है, ठीक है। आगे थोड़ा सा ये रास्ता है लेकिन आगे जाके ज़्यादा नहीं है, मतलब आगे जाके थोड़ा सा जाके समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि मैं सोचा कि आगे जाके थोड़ा सा वीडियो बनाऊँ लेकिन आगे रास्ता नहीं है। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए जैसे भी वगैरह खड़ी है देख सकते होंगे इधर। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको, पूर्वांचल एक्सप्रेस इस साल के अंत तक खुलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल के अंत तक खुल पाए, क्योंकि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है ये। लॉकडाउन में भी इसका काम की रफ्तार रुकी हुई थी। बोला गया कि इसको दिवाली तक, इसको योगी जी बोले कि उद्घाटन हो जाएगा इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल तक ये हो पाएगा। अभी इसमें काम बहुत बाकी है। देखिए मैं आगे दिखा रहा हूँ कि आगे रास्ता नहीं है देखिए जाने का, मैं ऊँचाई पर खड़ा होकर दिखा रहा हूँ कि आगे देखिए थोड़ा सा काम हुआ है रोड का, देख सकते हो। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए इधर इधर पानी वगैरह ना, क्योंकि आगे जाकर रास्ता ही नहीं ना, मैं जाके आगे भी दिखाया होता हूँ आप लोग को। ये देखिए सब ट्रक वगैरह खड़ी है काम के लिए, देख सकते होंगे इधर बगल बगल में जेसीबी खड़ी है और मिट्टी इधर देखिए बगल में है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आप लोग को, करीब 22.5 करोड़ की लागत से बन रहा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस इस साल के आखिरी तक खुल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खुल पाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इसका निर्माण कार्य 2 महीने की हुई देरी के बावजूद यह एक्सप्रेस अपनी आधिकारिक समय सीमा अप्रैल 2021 से महीने तक पूरा हो जाएगा। 341 किमी लंबा और 8 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे लखनऊ की चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कनेक्शन EPC के आधार पर हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के कृषि आधारित 9 पूर्व जिले को न केवल सीधे लखनऊ से जोड़ा जा सकेगा, बल्कि इन्हें 300 किमी लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और 165 किमी आगरा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी कनेक्ट किया जा सकेगा। देखिए मैं साइड से दिखा रहा हूँ, अभी देखिए चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है देख सकते होंगे, लेकिन यह है कि अभी रोड पे काम बहुत ज़्यादा बाकी है, इतना जल्दी ये नहीं होने वाला है चालू। रोड देखिए, लेकिन रोड काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है देख सकते होंगे। मैं अभी नीचे कैमरे से लिया हूँ रोड का, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए रोड नीचे का मैं कैमरे से ले रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह का रोड ये बनेगा। मतलब अब इसका फिनिशिंग भी काफ़ी बाकी है इस रोड का। देखिए मैं दिख लिया हूँ कैसा लग रहा है रोड, मतलब देखने में।
देखिए काफ़ी लंबा ये एक्सप्रेस वे बन रहा है पूर्वांचल का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सामने देख रहे हैं जेसीबी लगाई है काम के लिए, देख सकते होंगे उसके बगल मिट्टी वगैरह रखा गया है, देख सकते होंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अवनीश अवस्थी का कहना है कि लॉकडाउन से पहले 10,000 श्रमिक काम कर रहे थे, अभी साइट पर 5,500 मजदूर हैं, लेकिन हमने 8 पैकेज में काम कर रही कंपनियों को पूरी रफ्तार से काम चालू रखने और इसे पूरा करने के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते में पूरी वर्कफोर्स काम शुरू कर रही है, यदि मानसून इस साल, मगर मानसून कमज़ोर रहता है तो मानसून इस बार कमज़ोर है, वैसे जैसे जन अनुमान लगता है कि इस साल के अंत तक पूरा हो जाए, लेकिन इस साल के अंत तक पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैं छोटी सी राइड दिखाया आप लोगों को, मेरा गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा ये मैं मोबाइल से बनाया हूँ तो थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा आप लोग। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, राइड करके दिखा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है ये दिखने में, आप लोग भी थोड़ा इन्जॉय करिए देखिएगा। सामने देख सकते हो पिलर वगैरह है, देख सकते होंगे ब्रिज का, अभी इसको अंडर पासिंग बनाया जा रहा है, देखिए कितना गड़बड़ है, देख सकते होंगे इधर। लेकिन मैं सोचा भैया आप लोग को जाके मैं वहाँ का अपडेट दूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस का। इधर बीच में देख रहे पानी वगैरह, देख सकते हो इधर है। ओपीडा में मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय का कहना है कि 80% मिट्टी खुदाई का काम पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट करीब 48% फिजिकल काम भी पूरा हो चुका है, शेष 52% काम बढ़े हुए श्रमिकों की संख्या के आधार पर तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा। जिन 9 जिलों से एक्सप्रेस गुजरेगा उनके जिले अधिकारियों से कहा है कि वे काम शुरू कराने से पहले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराएं। अवस्थी ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी सावधानियां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों से ही काम होगा। ये देखिए मैं आगे चल के राइड किया हूँ, ये दिखा रहा हूँ, देखिए कि आगे का रोड थोड़ा प्लेन है, मतलब देख सकते होंगे आप लोग, थोड़ा देखिए इधर कैमरा थोड़ा नहीं हिल रहा है, देख सकते हो रोड काफ़ी इधर का सही है रोड है, अभी बहुत काम बाकी है उस रोड पे, तभी तो मैं थोड़ा सा दिखाया हूँ। अभी देखिए आगे अगर कोई और अपडेट आएगा तो मैं आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। ऐसे ही वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, और जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि मैं बनारस से आजमगढ़ के लिए वीडियो बनाने गया था, तो मैं सोचा कि आगे 17-20 किलोमीटर आगे पड़ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस, काम चल रहा है, सोचा मैं इसकी वीडियो की जानकारी आप लोग को अपडेट दूं कि कितना काम चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ऐसे ही सपोर्ट करिए आप लोग, प्यारा बनाए रखिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को सरकार ने 8 हिस्सों में जुलाई 2018 में शुरू किया था, इसके लिए 5 कंपनियां एमएनसी इंफेक्टेक लिमिटेड, गायत्री एवरेडक की जीआर इंफोडेक्स, ओरिएंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एफ्रो इफ्रा को ठेका दिया गया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव की सरकार को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसका रोकने के बाद ये योगी सरकार इसको पूरा कर रही है। लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।